क्या चांद पर इंटरनेट है या फिर नहीं, और ये फोटो दुनिया की सबसे बेस्ट फोटो में से एक है, लेकिन ऐसा क्या है इस फोटो में, और ये बिस्किट 17 लाख रुपए का है लेकिन क्यों, और इस जींस को शेर के आगे क्यों फोड़वाया जा रहा है। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पर कर लो ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फैक्ट नंबर 12, चू जींस एक ऐसी कंपनी है जो जींस पैंट बनाती है, और इनकी एक पैंट की कीमत तकरीबन 70,000 रुपए होती है। इसके इतना महंगे होने की वजह इसकी डिजाइन है। कंपनी जींस को शेर, बाघ और चीते जैसे खतरनाक जानवरों के दांतों और पंजों से फड़वाकर डिजाइन बनवाती है, और इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11, अगर इस पेंटिंग को देखकर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसे प्लास्टिक से लिपटा गया है तो आप भी धोखा खा गए हैं। असल में ये प्लास्टिक भी पेंटिंग का ही एक पार्ट है, मतलब ये प्लास्टिक असली नहीं है, ये कलर से पेंट किया हुआ प्लास्टिक है, और इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्लास्टिक भी पेंट किया हुआ है। इस पेंटिंग को रॉबिन इले नाम के आर्टिस्ट ने बनाया है, और ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं जो सभी इसी तरह से बनाई गई है। वाकई कमाल की कारीगरी है। फैक्ट नंबर 10, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुत्ते की एक नस्ल ऐसी भी होती है जो पहुँच नहीं सकती तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बसेंजी ब्रीड पूरी दुनिया में कुत्तों की इकलौती ऐसी नस्ल है जो भौंक ही नहीं सकती, इसलिए इनको बार्कलेस डॉग भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया था, और जब से इसे डिस्कवर किया गया है तब से प्लूटो ने सूर्य का एक भी चक्कर नहीं लगाया है, मतलब प्लूटो के डिस्कवर होने के बाद प्लूटो पर एक साल भी नहीं हुआ है। अर्थ को एक ऑर्बिट पूरा करने में एक साल लगता है जबकि प्लूटो को 248 साल, यानी अर्थ पर जब 248 साल हो गए तब प्लूटो पर सिर्फ एक साल होगा, मतलब प्लूटो 2178 में अपना एक साल पूरा करेगा। इट वॉज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, ये बिस्किट दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट है। इस बिस्किट को एक ऑक्शन में $23,000 यानी तकरीबन 17 लाख रुपए में बेचा गया था, क्योंकि ये बिस्किट टाइटैनिक के डूबने के बाद उसमें से बचा हुआ आखिरी बिस्किट है, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला बिस्किट बन गया। फैक्ट नंबर 7, जापान का सेरयू मिहर्सी स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहां ना तो कोई एंट्रेंस है और ना ही कोई एग्जिट, मतलब आप यहां सिर्फ ट्रेन से ही जा सकते हैं। अगर आप इस स्टेशन पर उतरते हो तो आप यहां से कहीं नहीं जा सकते, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि कोई दूसरी ट्रेन ना आ जाए। दरअसल इस स्टेशन को खास टूरिस्ट के लिए बनाया गया है ताकि लोग यहां की खूबसूरती को देख सके। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो हर कोई फिट और पतला दिखना चाहता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया के बोडी प्रजाति के लोगों में मोटा होना गुड लुकिंग माना जाता है। जिस आदमी का पेट सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसे ज्यादा हैंडसम माना जाता है, और बड़े पेट वाले आदमी के साथ शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगती है। फैक्ट नंबर 5, ये फोटो दुनिया की सबसे बेहतरीन फोटो में से एक है। इस फोटो को क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर ने 18 कैमरे सेट किए थे, और 62 दिनों तक मेहनत करने के बाद वो ये फोटो क्लिक कर पाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोटो में ऐसी क्या खास बात है, तो वीडियो को पॉज करके इस फोटो को एक बार उल्टा करके देख लीजिए, आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके सामने कोई जीभ निकालेगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वो आपको चिढ़ा रहा है और आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन तिब्बत में ऐसा करना नॉर्मल बात है क्योंकि जीभ निकालना तिब्बत में उनके स्वागत करने का तरीका है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जीभ निकाल कर एक दूसरे का स्वागत करते हैं, तो अगर आप तिब्बत में और आपके सामने कोई जीभ निकाले तो गुस्सा मत होना। फैक्ट नंबर 3, मेंढक ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मेंढक कभी भी हमारी तरह अपने मुंह से पानी नहीं पीते हैं। दरअसल मेंढक पानी को डायरेक्ट अपनी स्किन से ही एब्जॉर्ब करता है, और जहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं उस पार्ट को ड्रिंकिंग पैच कहा जाता है। अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता था तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 2, इस बर्ड को ध्यान से देखिए। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये एलियन जैसा दिखने वाला बर्ड आपने पहली बार देखा है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बर्ड कोई एलियन नहीं बल्कि एक उल्लू है। अगर एक उल्लू के सारे पंख निकाल दिए जाए तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है ना, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, आपको पता ही है कि नासा 2024 तक इंसानों को चांद पर ले जाने की तैयारी में है, लेकिन क्या चांद पर लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इसका सिंपल आंसर है हाँ, चांद पर भी लोगों को इंटरनेट मिलेगा। नासा और नोकिया मिलकर चांद पर 4G कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, और कहा जा रहा है कि 2022 के एंड तक चांद पर भी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलने वाली है, जिसे बाद में 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो चांद पर जाने के बाद भी आप
मेरी वीडियो जरूर देख पाओगे। आप में से कौन कौन चांद पर जाना चाहता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके, जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो।